हेलो गाइज, वेलकम बैक न्यू वीडियो। आज मैं बनाने जा रही हूँ गाइज आंसे। आप सभी को शकट की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सो गाइज, आंसे बनाने के लिए क्या करेंगे, मैंने गुड़ लिया है और एक कटोरी आटा लिया है, तो इसका बनाएंगे आंसे। तो आंसे शकट की पूजा में होते हैं, जो आप सभी बहनें व्रत रहती हैं तो उसमें बनाए जाते हैं। तो चलते हैं आंसे बनाने के लिए। आटे को गाइज छलनी से इस तरीके से छान लेंगे। सो गाइज, ये 1.5 कटोरी समथिंग आटा है। तो गाइज, अगर आप नए मेरे चैनल को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले आटा तो मैंने ले लिया है, और आटे में डालेंगे गुड़ का घोल। तो गुड़ का घोल तैयार करने के लिए मैंने लिया है ये गुड़। तो गुड़ के लिए क्या करेंगे, पहले इसको फोड़ लेंगे, इसको रखेंगे और इस तरीके से फोड़ लेंगे। और ये गुड़ फोड़ने से बहुत ही आसानी से घुल जाएगा। तो ये गुड़ मैंने इस तरीके से फोड़ लिए हैं टुकड़े। गैस को ऑन करेंगे और फिर ये कटोरा मैंने लिया है, कटोरा रखेंगे और मैंने पानी लिया है और 1 कप पानी डाल देंगे। पानी को गर्म करेंगे। पानी गैस गर्म हो रहा है, इसमें फूटा हुआ गुड़ जो है वो इसमें डाल देंगे इस तरीके से। अब इसमें गैस जो पानी गर्म पानी में गुड़ को भिगो लेंगे, और भिगोने के बाद इसको पिघला लेंगे। गुड़ बहुत ही आसानी से पिघल जाएगा। तो गाइस, आप देख सकते हैं इस तरीके से पत्ता गोभी तैयार हो गया है। आटे में गाइस ऑयल डालेंगे, तो मैंने ये घी लिया है 2 बड़े चमचा घी डाल देंगे। 1 टीस्पून इसमें डालेंगे काले तिल की, जो कि मैं बना रही हूँ आंसे। और आंसे में गाइस सकट में गाइस तिल का इस्तेमाल होता है, तो इसमें इस तरीके से 2 टीस्पून मैंने तिल डाल दिए काले वाले। और ये मैंने लिया है गुड़ का घोल। तो घोल इस तरीके से ठंडा कर लेंगे, ज़्यादा गर्म नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर का है, इसको मैंने ठंडा कर लिया है। तो गाइस, इसको गर्म नहीं मारना है, गर्म से अगर आप भूनेंगे तो आटा आपका टाइट हो जाएगा, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो ये ठंडा हो गया है, तो इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसको गूंद लेंगे। इसका डो उसी तरीके से तैयार करना है जैसे वो बनाते हैं गाइस पूड़ी का आटा, पूड़ी का डो तैयार करते हैं, उसी तरीके से डो तैयार करना है। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि डो इस तरीके से तैयार कर लिया है, ना ज़्यादा सॉफ्ट है ना ज़्यादा टाइट है। तो इसी तरीके से डो तैयार करना है जैसे पूड़ी का डो तैयार करते हैं। तो गाइस, इस तरीके से उसी अलग से पानी नहीं डालना है, उसी में ही डो तैयार करना है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये मैंने जैसे पूड़ी का आटा तैयार करते हैं वैसा ही मैंने टाइट बनाया है, और इसको अच्छे से मल लेंगे। तो जितना अच्छे से मलेंगे उतने यहाँ से आपके बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बनेंगे गाइस। तो गाइस, इसको मैंने खूब अच्छे से मल लिया है। मलने के बाद इसको इस तरीके से ढक देंगे, और ढकने के बाद इसको 5 मिनट बाद, इसका वेट करने के बाद ही इसको बनाना है आंसे। अगर तुरंत बनाएंगे तो आपके आंसे फट जाएंगे, तो इसका ध्यान रखिएगा गाइस। 5 मिनट का इंतजार कीजिएगा और इसको रख दीजिएगा डो के लिए। तो आप देख सकते हैं कि परफेक्ट डो तैयार हो गया है। तो ये जब उंगली लगा रही हूँ तो ये टाइट दिख रहा है आपको, लग रहा है इसी तरीके से डो परफेक्ट तैयार हो गया है। तो इसको गाइस रख देंगे और वेट करेंगे 5 मिनट का। सो गाइस, 5 मिनट हो चुके हैं, और डो को दोबारा ठीक कर लेंगे। सो गाइस, आप देख सकते हैं डो परफेक्ट मैंने ठीक कर लिया है। अब आंसे बनाने के लिए गाइस इसका शेप देना पड़ेगा। तो इस तरीके से इस पहले थोड़ी सी लोई ले लेंगे, जितनी पराठे की लोई लेते हैं। तो उसके बाद इसको इसके छोटे छोटे पीसों में काट लेंगे इस तरीके से, जिस साइज के आपको बनाना हो गाइस। इस तरीके से मैंने 5 लोई तोड़ी है, और ये आप देख सकते हैं कि ये मैंने छोटा सा लिया है। इसको इस तरीके से करेंगे, और करने के बाद इसको गोल गोल करने के बाद तो इसको लंबाई शेप दे देंगे, जैसे बर्फी आकार में होता है इस तरीके से। गाइस, ये बन गया आंसे। तो इस तरीके से आप, मैं बना के दिखा रही हूँ पूरा, तो इसी तरीके से आंसे बनते हैं छोटे छोटे। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि आंसे इस तरीके से बनाए हैं मैंने, और जितना डो मैंने तैयार किया है उसी तरीके से, इसी तरीके से सारे आंसे बना लेंगे। तो मिलते हैं गाइस आंसे बनाने के बाद। सो गाइस, आप देख सकते हैं इस तरीके से आंसे मैंने बना लिए हैं छोटे छोटे, बहुत ही बढ़िया लगते हैं खाने में, और शकट की पूजा में तो बहुत ही जरूरी है। और माता के लिए चढ़ाते हैं, और शकट महाराज को चढ़ाते हैं, जिस तरीके से आप पूजा करते हैं उस तरीके से कीजिएगा। और यदि बनते हैं आंसे तो आप बनाइएगा। तो गाइस, अब देर ना करते हुए चलते हैं गैस की तरफ। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया बर्फी के आकार के बने हैं। गैस को ऑन करेंगे, और मैंने कढ़ाई रखी है नॉन स्टिक, और इसमें ऑयल डाला है, ऑयल गर्म हो चुका है। और जो गाइस मैंने आंसे लिए थे, इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आंसे परफेक्ट तैयार हो चुके हैं। अब इसमें गैस को पहले हाई टेम्परेचर पर गर्म करके फिर इसको लो टेम्परेचर पर कर देंगे। तो गैस को मैंने लो कर दिया है, और इसको इस तरीके से तलेंगे। और इसको तलने के बाद गैस थोड़ा सा लो, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये कितना मोटा है, तो इसलिए थोड़ा सा समय लगेगा। तो इस तरीके से सारे थोड़े थोड़े करके डाल देंगे तरीके से। गाइस, आप देख सकते हैं कि मैंने डाल दिए हैं आंसे और सिक रहे हैं।
ओके, इसको मैंने हाई फ्लेम पर कर दिया है। अब इसी तरीके से सिकने देंगे और इसको गैस एक एक करके पलट देंगे इस तरीके से। तो गैस आप देख सकते हैं मैं धीरे धीरे पलट रही हूँ। तो गैस इस तरीके से ये सिक गए हैं और इसको निकाल लेंगे। तो गैस ये देख सकते हैं इस तरीके से गुलाबी हो चुके हैं और इसको मैंने सेक तल लिए हैं और इसके बाद इसको निकाल लेंगे। तो इसकी आवाज़ से आप देख सकते हैं कि ये परफेक्ट बन चुके हैं। इसी तरीके से सारे निकाल लेंगे। तो गैस आप देख सकते हैं कि ये आंसे बन सिक के तैयार हो गए हैं। अब इसको निकाल लेंगे तो आप देख सकते हैं कि गुलाबी गुलाबी बने हैं एकदम परफेक्ट। सो गाइस आप देख सकते हैं कि आंसे परफेक्ट बनके तैयार हो गए हैं। आपकी कटाहट से पता चल रहा होगा कि कितने करारे और किसी और वैसे बढ़िया बने हैं। तो ये इस तरीके से गाइस आंसे बना सकते हैं और शकट की पूजा कीजिएगा। सो गाइस आपको ये आंसे की वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा। और कम्युनिटी ऑप्शन एक नया चैनल है जिसमें मैं शॉर्ट्स की वीडियो डालती हूँ, उसमें भी जाके मेरे चैनल को देखिएगा। और आप सभी को शकट की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बाय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय शकट महारानी की। हेलो गाइस, वेलकम बैक न्यू वीडियो। आज मैं बनाने जा रही हूँ गाइस बाजरा के पुए। तो बाजरा के पुए बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम समथिंग बाजरा है और ये वाइट तेल है जो इसमें मैंने चिपकाए हैं। और गुड़ को पहले पिघला लेंगे जैसे आप नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं और उसका डो तैयार कर लिया। आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा टाइट ही करना है डो। तो डो तैयार हो चुका है, अब बनाएंगे बाजरा के पुए। तो गाइस इसमें वाइट तेल जो है बहुत ही बढ़िया लगते हैं, तो अलग से मैंने थोड़े से रख लिए हैं वाइट तेल। आप देख सकते हैं गैस को ऑन करेंगे और इस पर कढ़ाई रखेंगे। कढ़ाई में क्या डालेंगे? कड़वा तेल, और कड़वे तेल की क्वांटिटी थोड़ी सी कमी रखी है। अगर पूरा नहीं भरना है तो आप देख सकते हैं इसको गर्म करेंगे। पूरा बनाने के लिए गाइस इस तरीके से थोड़ी सी लोई लेंगे और इसमें जो वाइट तेल रखे हैं उस तरीके से चिपका देंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से बन जाते हैं पूरे। तो ये दोनों तरफ परफेक्ट बने हुए हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं कि जैसे इस तरीके से लोई ले लेंगे, इस तरीके से लोई लेंगे आलू के आकार की, और इसको गोल गोल कर लेंगे और इस तरीके से हथेली की सहायता से इसको दबाएंगे। फिर वाइट तिल में इसको इस तरीके से जैसे लोई में बर्तन लगाते हैं उसी तरीके से तिल के बर्तन लगा लेना है। और ये देख सकते हैं कि बिल्कुल परफेक्ट बन गया है पुआ। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है बाजरे का गैस, और ये गर्म भी होता है और फ़ायदेमंद भी होता है। तो गैस ट्राई ज़रूर कीजिएगा और भी पूरी वीडियो देखिएगा इसको। तो ये आप देख सकते हैं कि पुए बन के तैयार हो गए। गैस को ऑन करेंगे और इसको गैस को थोड़ा सा लो फ्लेम पर कर देंगे और इसमें पूरे इस तरीके से मैंने डाल दिए। अब इसको चलाएंगे। गैस को गैस लो फ्लेम पर ही रखना है, हाई फ्लेम पर करेंगे तो ये पूरे आपके जल जाएंगे और काले हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कितने बढ़िया लग रहे हैं बाजरा के पुआ। ये गैस कड़वे तेल में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं और इसको ज़्यादा चलाना नहीं है और धीमी आँच में ही ये सिकते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये सिक रहे हैं धीमी धीमी आँच में, लाल लाल हो रहा है। इसको चारों तरफ इस तरीके से करेंगे ताकि ये जल ना पाए। और इसको अब इसको पलट देंगे। गैस को गैस हाई फ्लेम पर कर दिया है और इसको पलटेंगे बहुत ही सावधानी से, क्योंकि बाजरा का आटा है और ये बहुत जल्दी सॉफ्ट बहुत होता है तो ये टूट जाता है। तो ये परफेक्ट बना हुआ है, आप देख सकते हैं कि ये टूटा नहीं है और बाकी ये जो है ये टूट गए हैं। अब इसको निकाल लेंगे। बाजरा के पुआ परफेक्ट बन गया है, आप देख सकते हैं कितने गुलाबी गुलाबी बनाना है इसको। इसी के तरीके का जितने भी जो मैंने डो तैयार किया है और इसी तरीके से पूरे सेक लेंगे और इस तरीके से तेल को ऊपर से खींच देंगे ताकि ये अंदर को अच्छे से पक जाएगा। तो दूसरी चम्मच की सहायता से इस तरीके से करते रहेंगे और ये बीच में भी सिक जाएगा। इसको पलट देंगे तो ये आप गाइस देख सकते हैं कि बीच में फूलने भी लगता है। इसको पलट देंगे। इसी तरीके से गाइस आप चाहें तो बेल कर भी बना सकते हैं, चाहे तो हथेली की सहायता से बना सकते हैं। दोनों तरीके से बन जाते हैं बाजरे के पुए और ऐसे तरीके से तेल ऊपर जब डालेंगे तो बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होते हैं। तो गाइस ये देख सकते हैं कि ये परफेक्ट बन चुका है और ये भी अच्छे से तल लिया है। इसे निकाल लेंगे। इसी तरीके से गाइस आप देख सकते हैं कि मैंने सारे वे जितने भी डो तैयार किया था परफेक्ट बना लिए हैं और इसको पलट देंगे।
और इसको इस तरीके से बीच में तेल को उछालते रहेंगे तो ये बीच में बहुत ही बढ़िया बनते हैं। और गाइस आप देख सकते हैं कि पूहे बन के तैयार हो चुके हैं, तो चलिए जल्दी से सर्व कर लेते हैं और इसको इस तरीके से निकाल लेंगे। कितने बढ़िया लग रहे हैं पूहे। सो गाइस आप देख सकते हैं कि ये हमारी सासू माँ हैं और ये गाजर बना रहे हैं पूहे, और ये परफेक्ट बनके तैयार हो चुका है। तो गाइस आप देख सकते हैं कि बाजरे के पुए बनके तैयार हो चुके हैं। मैंने आपको शुरू से वीडियो आप देखेंगे तो लगेगा कि हाँ बाजरे के पुए किस तरीके से बनते हैं, उसका डो परफेक्ट बनना चाहिए। और ये जो आप चाहें तो बेल के भी बना सकते हैं। बेल के बनाने से गाइस क्या रहता है कि पतले होते हैं वो टाइट हो जाते हैं। ये आप देख सकते हैं कि सॉफ्टनेस इतनी है। तो इसमें मैंने गुड़ की 4 डेली डाली है और 250 ग्राम समथिंग आटा है, और इस तरीके से व्हाइट चिपका के बाजरे के पुए बनाए हैं। सो गाइस इस तरीके से आप बना सकते हैं बाजरे के पुए। आपको बाजरे के पुए की वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा। और आप देख सकते हैं कि ये बाजरे के पुए जब सूखने के बाद अच्छे लगते हैं बिल्कुल, जब तलने के बाद जब उतारेंगे तब इसको थोड़ी देर ही बाद इसको छुइएगा, नहीं तो ये सॉफ्ट बहुत होते हैं बाजरा का आटा, तो ये टूट जाएगा और ये आपके बाजरे का आटे पुए जो है टूट जाएंगे इस तरीके से। तो गाइस ये जो है काफ़ी टूट चुके हैं और सॉफ्ट कितने हैं तो आप देख सकते हैं कि मैं तोड़ के दिखा रही हूँ कि सॉफ्टनेस कितनी है। तो इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं, आसानी से खा सकते हैं। और शकट की पूजा में बाजरे के पुए भी बनते हैं गाइस, तो शकट आपको, आप सभी को शकट की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो गाइस इस तरीके से बाजरे के पुए बनाइएगा और खाइएगा। आप ये देख सकते हैं कि इतने टूट गए हैं बाजरे के पुए। चलिए टूट गए तो कोई बात नहीं, ये भी खाने में बहुत ही अच्छी लगेंगी, तोड़ के ही खाने होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये अंदर से भी बिल्कुल अच्छे से परफेक्ट सिक चुके हैं और बहुत ही बढ़िया स्वादिष्ट लगते हैं। और कितने क्रिस्पी कुरकुरे बने हुए हैं, कितने करारे, और देख के तो ऐसा लग रहा है कि हाँ बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बने हैं। तो गाइस म्यारी जी के लिए भोग लगाने के बाद ही खाइएगा, और इसको खाने के बाद आप बताइएगा कि बाजरे के पुए कैसे बने हैं। तो गाइस आपको बाजरे के पुए की वीडियो कैसी लगी कम्युनिटी ऑप्शन में। मेरा नया चैनल है जो मैं शॉर्ट्स की वीडियो डालती हूँ, उसमें भी आप जाके मेरे चैनल को शॉर्ट्स की वीडियो देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और खाइएगा बाजरे के पुए। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एक पुआ मैं तोड़ के दिखा रही हूँ, कितना बढ़िया लग रहा है, वाओ। राधे राधे, हैप्पी शकट महारानी की जय। हेलो गाइस, वेलकम बैक न्यू वीडियो। आज मैं बनाने जा रही हूँ गाइस शकट महारानी के लिए बकरा। सो गाइस मैंने लिया है काला तिल, मैं बना रही हूँ गाइस काला बकरा। तो काला बकरा बनाने के लिए मैंने लिया है तिल और लिया है गुड़। तो आप सभी लोगों भक्तों के लिए शकट महारानी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो गाइस देर न करते हुए चलते हैं कि बकरा कैसे बनाते हैं। तो पूजा में बकरा बनाया जाता है, तो गाइस असली वाला बकरा नहीं, ये पूजा के लिए बकरा, तिल वाला, तिलकुटा वाला। तो गाइस तिलकुटा बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये तिल मैंने इसको पहले धो लिए थे, धोने के बाद इसको साफ करके, साफ इस आप देख सकते हैं कि बिल्कुल साफ है, और इसको साफ करने के बाद इसको सुखाने के बाद मिक्सी में अब ग्राइंडर कर देंगे। तो ये परफेक्ट तैयार हो चुके हैं, तो इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। सुबह से आप नए मेरे चैनल को देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा, और पूरी वीडियो देखिएगा कि बकरा कैसे बनाते हैं। तो अब तैयार रहिएगा बकरा देखने के लिए। सो गाइस मैंने लिया है मिक्सी में ग्राइंड करने के लिए, इसमें तिल डाल देंगे और ये मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। सो गाइस मिक्सी में उतना ही चलाना है जितना, बिल्कुल ज़्यादा महीन नहीं करना है, मोटा ही रखना है। आप देख सकते हैं कि मैंने बिल्कुल एक राउंड लगाया है, उस तरीके से बहुत ही जल्दी पिस जाता है, और थोड़ा मोटा ही रखना है, बिल्कुल ये एकदम महीन नहीं करना है। अब इसको इसमें डाल देंगे थाली में। गुड़ गाइस इसको फोल्ड लेंगे, इसको कलर मूसर से, अदरक कुचलने वाली जो होती है वो इसे इस तरीके से इसको फोड़ लेंगे। सो गाइस गुड़ के लिए मैंने फोड़ लिया है, और ये आप देख सकते हैं कि फूटा हुआ गुड़। तो गाइस इस तरीके से जब फोड़ेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा महीन हो जाता है, और ये आप देख सकते हैं तिल, तो तिल और गुड़ को इस तरीके से मिक्स कर देंगे। और इसे एक बार फिर ट्राई करेंगे और इसको और अच्छे से फोड़ लेंगे, और ऐसे करने से गाइस ये गुड़ और तिल आपस में मिक्स हो जाएंगे। इसमें गाइस पानी डालने की भी ज़रूरत नहीं है, वो ऐसा ही अपने आप ही गीला हो जाता है, और ये गीला हो गया है, आप देख सकते हैं कि ये चिपकने लगा है।
दोनों हाथों से मिक्स कर लेंगे। और इसको एक साइड में इस तरीके से कर लेंगे। तो बकरा बनाने के लिए गाइस आप क्या करेंगे कि आप देख सकते हैं कि गुड़ को मैंने इस तरीके से मिक्स कर लिया है और तिल और गुड़ के लिए, तो तिलकुटा हो गया है ये। अब इसमें बकरा इस तरीके से बनाएंगे कि बकरे का ये मैंने रखा है सिर, तो गाइस ये देख सकते हैं सिर है और ये गर्दन है इसकी और ये मुंह है बकरे का और ये इसका पीछे का हिस्सा है। अब ये इसके पैर कर देंगे, चार पैर करना है इसके, बकरे के चार पैर होते हैं, तो इस तरीके से पतले पतले, क्योंकि ऑलरेडी बकरा तो मोटा बना है तो पैर भी मोटे ही बनाने हैं इसके, तो ये पैर बन गए। चार पैर हो गए। ये चार पैर बन गए बकरे के और ये पीछे का हिस्सा बन गया। और ये पूंछ, पूंछ के लिए थोड़ा सा पेड़ से ले लेंगे और इधर पूंछ बना देंगे इसकी। बकरी की पूंछ ज़्यादा लंबी नहीं होती है, ठीक ठाक होती है। तो गाइस इस तरीके से ये बकरा बन गया। तो गाइस लग रहा है ना बकरा, तो इस तरीके से बकरा बना सकते हैं और सकट महारानी की पूजा कीजिए। तो गाइस आपको बकरे की वीडियो कैसी लगी सकट महारानी के पूजन के लिए, तो बकरे की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा। और कम्युनिटी ऑप्शन में एक मेरा नया चैनल है जिसमें मैं शॉर्ट्स की वीडियो बनाती हूँ और शॉर्ट्स की चैनल है वो नोटिफिकेशन है उसमें, तो उसमें भी जाके आप मेरे चैनल को देखिएगा और शेयर कीजिएगा। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और ये गुड़ की डेली जो है वो इससे आँख बना देंगे और इसके लिए गुड़ रख देंगे। बकरा जो है गुड़ खाता है तो इसके मुंह के आगे गुड़ रख दिया। तो गाइस आपको कैसी लगी वीडियो गाइस बकरे की, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सकट महारानी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। हैप्पी सकट महारानी।